हेलो एवरीवन, दिस इज प्रगति। वेलकम टू माय चैनल पेट पूजा विद प्रगति सिंह। तो आज मैं आपके साथ सूजी के लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और एकदम हलवाई स्टाइल में ये लड्डू बनेंगे, तो आप इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी एंड तक देखिएगा। पर उसके पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम करेंगे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 1 स्पून घी ऐड किया है, और यहाँ पे मैं कुछ मगज और काजू और डाल के और थोड़ा सा बादाम, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो ड्राई फ्रूट्स, वो आप इसमें डाल दीजिएगा और इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। तो बस मैंने जो जो ड्राई फ्रूट्स मेरे को डालना था वो मैंने इसमें डाल दिया है, और अब हम इसे थोड़ी देर फ्राई करेंगे। हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं तुरंत ही आप इसको डालेंगे तो वो इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा 1 से 2 मिनट में। तो बस अब हम इसे निकाल के साइड में कर लेते हैं। अब हम किशमिश फ्राई कर लेते हैं। तो बस जब आप किशमिश डालेंगे तो इसे बिल्कुल आपको कंटिन्यूसली चलाते रहना है, और ये एकदम अच्छे से फूल जाएगी। आप देख पा रहे होंगे कि देखिए इसका कलर और ये कैसे फूलने लगी है। तो जब ये अच्छे से फूल जाए उसके बाद आप इसे भी निकाल के साइड में कर ले दीजिएगा। तो बस ये ऑलमोस्ट देखिए फूल गई है। अब मैं इसे साइड में करती हूँ और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब फिर मैंने उसे कढ़ाई में 2 स्पून घी ऐड कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने 1/2 कप सूजी ली है। तो आप जो भी और हम सूजी के अच्छे से हम सिकाई करेंगे तो कंटिन्यूसली हमें चलाते रहना है। और इसका मेज़रमेंट यही है कि आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हो तो जिस भी चीज़ से आप मेज़रमेंट करोगे तो उसका 1/4 के करीब उसमें आप चीनी ऐड कर दीजिएगा, अगर ज़्यादा मीठा नहीं खाना पसंद करते हैं। अगर मीठा के ज़्यादा शौकीन है तो 1/2 उसमें चीनी ऐड कर दीजिएगा, और उसमें बाइंडिंग आपके अच्छे से हो जाए तो उतने % में। आप नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि इसमें क्या ऐड करना है, पहले हम इसके अच्छे से सिकाई करेंगे। तो बस ये हल्का हल्का इसका कलर चेंज होने लगेगा सूजी का, तब तक हमें इसे स्लो फ्लेम पे कंटिन्यूसली चलाते रहना है और अच्छे तरह से इसको सिकाई करनी है। इसमें अच्छी सी खुशबू इसमें आना स्टार्ट हो गई है। तो बस ये स्लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट में अच्छे से इसकी हो जाती है सिकाई। अब हम इसमें चीनी का बूरा और 3 स्पून मलाई इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब मैंने इसमें 1/4 कप कोकोनट पाउडर ऐड किया है, जो नारियल का बूरा होता है वो मैंने इसमें ऐड किया है, और इसे इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो अब चीनी भी यहाँ पे मेल्ट होने लगी है, तो देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट होने लगा है ये, और हमने इसमें मलाई भी ऐड की थी तो उससे भी ये थोड़ा सॉफ्ट होना है। ज़्यादा मलाई नहीं ऐड करना है, 2 से 3 स्पून हमें मलाई ऐड करनी है इसमें, और इसे अच्छे से चलाते रहना है। इससे क्या हमारी सूजी अच्छे सॉफ्ट हो जाएगी और लड्डू अच्छे सॉफ्ट से बनेंगे। तो बस इसे इसी तरह अच्छे से चलाइए और मिक्स कीजिए। और अब हम इसमें एकदम मावे का टेस्ट देने के लिए हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1/4 कप मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आप करना चाहते हैं, आपके पास हो तो आप कीजिएगा, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा। बस अब इसमें मैंने मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है, फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। बहुत ईजी रेसिपी है। तो बस मिक्स करने के बाद जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और एंड में हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर। तो यहाँ मैंने 1/2 स्पून के करीब में इसमें इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ, और फिर हम इसे मिक्स करके एक बार गैस की फ्लेम कर देंगे ऑफ और छोड़ देंगे इसे ठंडा होने के लिए। तो बस ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब मैं इसे छोड़ रही हूँ ठंडा होने के लिए। 5 से 10 मिनट आप छोड़िएगा, पूरी तरह ठंडा नहीं करना है। अब मैं इसे एक प्लेट में शिफ्ट कर रही हूँ, इतना ठंडा हो जाए कि आप उसके लड्डू बड़े इजी तरीके से बना पाएं। तो बस ये मैंने ज़्यादा एकदम पूरा ठंडा नहीं किया है, हाँ इतना है कि इसके लड्डू बनाते टाइम मेरे हाथों में जलेगा नहीं। तो बस अब इसे अच्छे से मिक्स करना है, और बहुत सॉफ्ट है ये, तो बहुत इजी तरीके से आप इसके लड्डू बना सकते हैं। तो चलिए मैं लड्डू बनाना स्टार्ट करती हूँ।
तो बस हमें कोई लड्डू का साइज़ थोड़ा छोटा लग रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। तो आप आपके चॉइस के अकॉर्डिंग जिस भी साइज़ का बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप लड्डू बना के रख लीजिए। तो ये बन गए हमारे टेस्टी टेस्टी लड्डू, है ना, बहुत ईजी रेसिपी। तो बस इसी तरह हम सारे लड्डू बना के रख लेंगे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और खाने में एकदम मस्त है। तो चलिए इस तरह मैं सारे लड्डू बना लेती हूँ। तो बस ये ऑलमोस्ट ये मेरा थर्ड लड्डू भी कंप्लीट हो गया है। बचे हुए बैटर का भी मैं सारे लड्डू बना लूंगी। तो ये लीजिए हमारे लड्डू तैयार हैं। आप इसकी गार्निशिंग के लिए जो हमने किशमिश फ्राई की थी वो इसके उस सेंटर में रख के इसे प्रेस कर देंगे, तो उससे भी इसकी गार्निशिंग बड़ी अच्छे से हो जाती है। तो मैं इसे बाउल में निकाल लेती हूँ और मैं आपको एक लड्डू दिखाती हूँ तो तोड़ के कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट है ये और बिल्कुल फैल नहीं रहा है, एकदम मस्त दानेदार लड्डू बना है। तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।